गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू बेटा, कैसे हैं आप सब? आज बेटा हम आपकी आर्ट एंड क्राफ्ट की क्लास में स्नोमैन बनाना बताएंगे। क्या बताएंगे? स्नोमैन। ठीक है, तो स्नोमैन के लिए आपको न्यूज़पेपर, कॉटन, ब्लैक पेपर, रिबन, रेड पेपर, न्यूज़पेपर, कॉटन, फेविकॉल, ब्लैक पेपर की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम न्यूज़पेपर की 2 बॉल्स बनाएंगे, एक बिग एक स्मॉल। मैंने पहले ही तैयार की हुई हैं न्यूज़पेपर की बॉल्स। ये देखिए, न्यूज़पेपर को रैप किया हुआ है और उस पर हमने सेलो टेप लगाई हुई है। ठीक है, हमने सेलो वाइट वाली टेप इस पे लगाई हुई है। ठीक है, 2 बॉल्स हमारी रेडी हो गई स्नो मैन के लिए। ये उसके फेस के लिए, ये नीचे के लिए। सबसे पहले हम स्नो मैन के फेस को कॉटन में करेंगे। आपने ऐसे कॉटन लेना है, एक बॉल को जो माउथ के लिए है उसे ऐसे टाइट वो करना है, और इसको रोकने के लिए आप यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे। ठीक है, ये देखिए हमने फेविकॉल लगा लिया है। ये देखिए फेस हमारा रेडी हो गया है, कॉटन हमारी पेस्ट हो गई है। ठीक है, अब जो बड़ा बॉल है उसको भी ऐसे ही कॉटन में रैप करेंगे। ज्यादा कॉटन ना लीजिएगा, एक्स्ट्रा कॉटन को हम निकाल देंगे। अगर एक्स्ट्रा कॉटन है हमारे पास तो उसे हम निकाल देंगे, उससे फिर फिनिशिंग नहीं आएगी। अगर ज़्यादा आप रखोगे तो फिनिशिंग नहीं आएगी। ये देखिए, अब इसको भी हम क्या करेंगे, फेविकॉल से पेस्ट कर देंगे, कॉटन को न्यूज़पेपर बॉल पे रैप कर देंगे। ये देखिए, एक बिग बॉल, एक स्मॉल बॉल, एक माउथ के लिए, एक नीचे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें माउथ को इसके साथ ऐसे पेस्ट करना है। ओके, चलिए हम यहाँ पे फेविकॉल लगाएंगे। ये देखिए, हल्का सा प्रेस कर देंगे। हल्का सा प्रेस करेंगे जिससे कि वो अच्छे से पेस्ट हो जाएगा। ओके, रेडी। आप इसको पेस्ट होने के लिए हम रख देंगे, जब तक कि ये अच्छे से पेस्ट होता है इसका माउथ, हम इसकी कैप रेडी कर दिए। कैप रेडी करने के लिए राउंड शेप का एक ब्लैक पेपर कट करेंगे, स्पार्कल शीट स्मॉल राउंड शेप में कट करेंगे, एंड एक लंबी पट्टी टाइप हम कट करेंगे, जिससे क्या करना है, हमें कैप बनानी है ऐसे। जो बिग हमने सर्कल कट किया है
उस पे हमें इसे पेस्ट करना है। ठीक है, चलिए इसको पेस्ट करते हैं। हम ऐसे अब इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक सेंटर लेके। ठीक है, अब इसको ऊपर से कवर करने के लिए एक स्पार्कल शीट इस राउंड सर्कल के टॉप पे रख देंगे। ठीक है, और टॉप पे रखने के लिए हमें क्या करना है, इसको फेविकोल लगाना है ऐसे। ये स्नोमैन की कैप और इस पे रेड कलर का रिबन लगाएंगे। ठीक है, ऐसे ठीक है, ये हमारी कैप रेडी हो गई है। ये देखिए हमने रिबन में एक नॉट लगा दी है। ये देखिए कैप रेडी। कैप रेडी करने के बाद स्नोमैन पेस्ट हो चुका है। रेड कलर का जो रिबन हमने कट किया था बेटा उसको पेस्ट करेंगे। ठीक है, ऐसे ये क्या है, स्नोमैन का स्कार्फ है और इसको हमें पेस्ट करना है ऐसे ही। पहले नीचे हम हल्का सा फेविकोल लगाएंगे जिससे कि हमारा रिबन सेट हो जाए। हम ऐसे सर्कल एक कट करेंगे हाफ। ये देखिए मैंने यहां से इसको
कट किया है इसकी पिक रेडी करने के लिए। इसकी पिक हम रेडी कर रहे हैं, ठीक है। ये इसकी पिक हो गई रेडी, तो आप ऐसे इसकी पिक रेडी करेंगे। हाँ जी, तो ये हम क्या कर रहे हैं, इसकी पीक रेडी कर रहे हैं, उसकी चोंच स्नोमैन की। ये हमने फोल्ड कर ली है, यहाँ हम इसे फेविकोल से पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ये हमारी फेविकोल से पेस्ट हो गई है। अब इसको हम स्नोमैन पे पेस्ट करेंगे यहाँ। तो यहाँ हम इस पे फेविकोल लगाएंगे, जिससे हमारा स्नोमैन की पीक पेस्ट हो जाएगी। हल्की सी आप टेपिंग भी कर सकते हैं कि पीक ओपन ना हो आपकी। ओके, अब हम पिक को पेस्ट करेंगे। पिक पे ऐसे फेविकोल लगाएंगे और हमारे स्नोमैन के हल्का सा प्रेस करते हुए इसको पेस्ट कर देंगे। ओके, ये देखिए। फिर हम स्पार्कल से ही इसकी आईज हमने बनाई हुई है, आईज को फेविकोल लगाएंगे जहां हमने आईज बनानी है, पेस्ट करनी है। ऐसे हम इसकी आईज पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमें करनी है कैप पेस्ट। तो हमारी कैप तो पहले ही रेडी है, तो कैप को पेस्ट करने के लिए हम इसके हेड पे फेविकोल लगाएंगे। ठीक है, और रेडी कैप को पेस्ट कर देंगे। अब हमें इसके बटन्स बनाने हैं यहाँ के लिए। तो हमने स्पार्कल बिंदिया कट की हुई है, आप बिंदिया भी ले सकते हैं, कलरफुल, नहीं तो स्पार्कल भी कट कर सकते हैं। ये हमारा स्नोमैन रेडी है। ओके, स्नोमैन हमारा रेडी है। अब स्नोमैन का स्टैंड भी बनाना है हमें, जिस पे हमारा स्नोमैन स्टैंड करेगा, खड़ा होएगा। तो हम अपने स्नोमैन को नीचे स्टैंड करेंगे। स्नोमैन के स्टैंड के लिए हमें एक कार्डबोर्ड लेना है, उस पे ग्लू लगाना है और कॉटन पेस्ट करना है। ऐसे हम कार्डबोर्ड पे ग्लू लगाएंगे और कॉटन पीस जो हमारे पास है उसे पेस्ट कर देंगे। स्नोमैन कहाँ होता है, स्नो में ही तो होता है, तो उसके लिए स्नो भी तो रेडी करेंगे स्नोमैन के साथ, ठीक है। तो उसके लिए हमें चाहिएगी थोड़ी फुल्ली फुल्ली ऐसा,
कॉटन हम पेस्ट करेंगे। ये हमने पहले ही रखा हुआ था कॉटन को, ठीक है। अब हम अपने स्नोमैन को यहाँ पेस्ट करेंगे। ओके, तो हम यहाँ स्नोमैन के लिए फेविकोल लगाएंगे। स्नोमैन को यहाँ पेस्ट करेंगे। ये हमारा स्नोमैन रेडी है। तो आप सभी ने बेटा स्नोमैन बनाना है और अपनी फोटो हमें सेंड करनी है स्नोमैन के साथ। ओके, थैंक यू।